हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर अपडेटेड नोटिफिकेशन। हमारे पास बच्चों स्पेशल कैरियर्स थ्योरी, एनसीईआरटी ने भी इस थ्योरी को लिखा हुआ है, पेज नंबर 128 पर लिखा हुआ है, जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है। दिस स्पेशल कैरियर्स थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस लिटरेचर, मतलब जो हमारे धार्मिक साहित्य है उनके ऊपर बेस्ड है ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ये थ्योरी ऐसा कहती है कि इस अर्थ पे आज जो भी हमको देखते हैं, इवन अर्थ के बाहर जो भी है, उस सब को किसी एक सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है, और उस सुपर नेचुरल पावर को बच्चों हम गॉड, भगवान, अल्लाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ है वो सब किसने बनाया है, हम कहते हैं भाई भगवान ने बनाया है। दिस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय फादर सुआरेज। इवन बाइबल में भी लिखा हुआ है कि बाय सेवन नेचुरल, सिक्स नेचुरल डेज में, सेवन तो कुछ नहीं हुआ था, तो सिक्स नेचुरल डेज में इस जो भी हमको देखता है वो सब बना होगा। अब हम काम की बातें यहाँ पर करेंगे केवल। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में टोटल हमने कितने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, 3 कैनोटेशन हैं जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है कि इस अर्थ पे आज जो भी हम लाइफ देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये ऐसे ही बने थे। तो पहला पॉइंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ये बच्चों इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का, द डाइवर्सिटी वॉज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी रिमेन सेम इन फ्यूचर, मतलब पर जब से ये लाइफ बनी है, जैसे ये बनी थी वैसी ही है और आगे भी फ्यूचर में वैसी ही रहेगी, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो कितनी है, बहुत ही कम, केवल 4000 साल, 4000 ईयर ओल्ड है। देखा बच्चों, अब यहाँ पे दो डाटा आ गए अर्थ को लेके, एक सही वाला 4.5 बिलियन और एक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कितना, 4000 ईयर, केवल 4000 साल है। अब इसमें से सही कौन सा है, वही जो पहले हमने पढ़ा था। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन थ्योरी द अर्थ इज अबाउट, तब हमारा आंसर आएगा बिल्कुल 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, और अगर पूछे ये ना वर्ड यूज करे स्पेशल क्रिएशन, तब बच्चों हमारा आंसर वही 4.5 बिलियन रहेगा। अब एक बार फिर से सुनो जरा, ये थ्योरी ऐसा कहती है कि आज हमको जैसी लाइफ दिख रही है वैसी ही बनी थी, लाइफ जब से बनी है तब से वैसी ही है और फ्यूचर में वैसी ही रहेगी, और अर्थ तो केवल 4000 साल पुरानी है। बच्चों अगर ऐसा है कि लाइफ जब से बनी है तब से ऐसी ही है और इसमें अगर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर तो बच्चों इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है और होगा ही नहीं। पर इवोल्यूशन क्या है, लाइफ में चेंज आना, लाइफ में चेंज आना, लिविंग बीइंग में चेंज आने को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये जो थ्योरी है ये सही नहीं है। एक साइंटिस्ट बच्चों जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन, बच्चों चार्ल्स डार्विन वो साइंटिस्ट है जिसको 5 साल के लिए HMS बीगल जहाज का नाम है बच्चों, उसके ऊपर मतलब वर्ल्ड टूर का उसको मौका मिला था। जब डार्विन 5 साल के लिए HMS बीगल के ऊपर वर्ल्ड टूर पे गया था, तो डार्विन ने अपने इस 5 ईयर जर्नी में बहुत सारा काम किया, कई जगह पर जाकर जिनमें कुछ आइलैंड भी है, और डार्विन ने ये कंक्लूजन निकाला डार्विन के काम से बच्चों, ये प्रूफ हो गया कि जो लाइफ है इस अर्थ पे वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। तो डार्विन के काम के बाद में, ऑफ कोर्स चार्ल्स डार्विन के काम के बाद में, लोगों ने इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को बिलीव करना बंद कर दिया। बच्चों ये भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये बात एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वही 128 पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ में, कि आफ्टर द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन पीपल दे स्टॉप टू बिलीव इन दिस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। आई सेड स्टॉप टू बिलीव, अब लोगों ने
इसमें विश्वास करना फिर बंद कर दिया था। तो बच्चों ये थी हमारी स्पेशल क्यूरेशन थ्योरी। डार्विन के काम के बाद में लोगों ने इस थ्योरी को फिर मानना बंद कर दिया और ये भी प्रूफ हो गया था कि अर्थ केवल 4,000 नहीं उससे कहीं ज्यादा पुरानी है।